देखिए ये है असलियत केजरीवाल जी की झूठी गारंटी की, और यही गारंटी देकर यही झूठा वादा करके सत्ता में आए थे केजरीवाल जी कि जो टैंकर माफिया है शीला दीक्षित के वक्त का वो खत्म किया जाएगा, उसके प्रकोप से बचाया जाएगा, निजात मिलेगी दिल्ली वासियों को। लेकिन टैंकर माफिया तो फल फूल रहा है, पूरी तरह से बढ़ रहा है। दिल्ली में त्राही त्राही मची है, पूरी तरह से हाहाकार है। आप जा के देखिए क्या आलम है इस वक्त, चाहे वो झुग्गी झोपड़ियां हों या और इलाके हों, आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से टैंकर माफिया का दबदबा है। और इसके लिए इल्जाम किसको लगाया जा रहा है? आतिशी जी की तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा है हरियाणा सरकार पर। जानती हरियाणा सरकार, क्योंकि भाजपा का शासन रहा है तो उसको वो ब्लेम कर रही है। अब आप देखिए, जब आप चेक करते हैं ऑनलाइन भी और जब अधिकारी दोनों चेक करते हैं कि कितना कितना पानी आ रहा है, उसमें किसी भी तरह से कमी नहीं है। और अगर आपूर्ति होती या भाव होता जिसका अंदाजा उनको होना चाहिए था, इसको पहले से उनको ये मार्क कर सकते थे या इस पर वो आप चिट्ठी लिख सकते थे। लेकिन ना तो इनकी तरफ से कोई दरकार या कोई गुजारिश आई, रिक्वेस्ट आई कि ज्यादा होना चाहिए, और ना ही हरियाणा सरकार की तरफ से एक भी बूंद की कमी दिखाई जा रही है या है। लेकिन हुआ ये कि वजीराबाद जहां पे रिजर्वर है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वहां पे 10 साल से जो ड्रेजिंग का काम होता है, डीसिल्टिंग का काम होता है, जिसके जो जरूरी है साफ करना ताकि पानी संभाल के रखा जाए, स्टोर हो, साफ हो और फिर भेजा जाए, 10 साल से आम आदमी पार्टी ने अपने कॉन्ट्रैक्टर जो कि जिसको L2 का था, वो जो उनका अपना था, उसको देने के चक्कर में उन्होंने वो काम करवाया ही नहीं, L1 वाले को नहीं दिया। आप भी जानते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सबसे सस्ते बिडर को देना होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के चलते दिल्ली हाईकोर्ट का इस पर आदेश आया, और अपने सिर्फ और सिर्फ लालच के चलते कि उनके कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिया गया तो हम काम ही नहीं कराएंगे, उन्होंने 10 साल तक वजीराबाद का जो वाटर रिजर्वर है उसमें काम नहीं होने दिया। ना ड्रेजिंग हुई, ना डीसिल्टिंग हुई, ना सफाई हुई, उसके चलते आज के ये हालात हैं। और ठीकरा किस पर फोड़ रहे हैं? पूरी तरह से हरियाणा सरकार पर। जब सचिवों की मीटिंग भी हुई और कहा कि बैठक होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी के सारे मंत्री नदारद थे। क्या काम कर रहे थे? बेल से जेल, जेल से बेल, खोट से वोट, वोट से खोट, झाड़ू से दारू, दारू से झाड़ू, बस ये काम उनका था। उनका बिल्कुल मन किसी भी तरह का गवर्नेंस करने में या दिल्ली के लोगों के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसमें बिल्कुल उनका ना तो ध्यान है। पूरी तरह से कट्टर सियासत ही हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। और आप देखिए, लेकिन जब भी बात आती है और सवाल पूछे जाते हैं, इनके तरफ से कोई जवाब नहीं आता। समर एक्शन प्लान जो कितना जरूरी था, जो मार्च के महीने में बन जाता है, उस क्या कर रही थी आम आदमी पार्टी? चुपचाप। सबको पता था कि गर्मी इस बार बहुत ही भीषण होने वाली है, लेकिन कोई समर एक्शन प्लान नहीं, कोई सचिवों की मीटिंग नहीं, कोई भी इस पर एक सीरियसली गंभीरता से इसके लिए काम नहीं, कोई भी ना हिमाचल सरकार या हरियाणा सरकार से पहले की कोई भी खत किताबत नहीं, कम्युनिकेशन नहीं कि ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और वजीराबाद में आप देखिए किस तरह से वहां पे जो हरियाणा का पानी आता है उसको संभालने के बजाय उसको बिल्कुल बर्बाद किया जा रहा है, और अब चालान लगाया जा रहा है कि लोग वेस्ट ना करें। मैम एक जो बात चलती है, मैम दिल्ली के लोगों के संज्ञान में या एक दिल्ली के लोगों की चिंता है टैंकर माफिया, ये कोर्ट के भी संज्ञान में कई बार आई है ये बातें, ये राजनीतिक दलों के भी संज्ञान में है। केजरीवाल साहब ने एक बार कहा था कि वो टैंकर माफिया पर लगाम लगाएंगे दिल्ली के अंदर, उसके बावजूद जो स्टडी है उसमें ये रिपोर्ट है उसकी कि टैंकर्स की संख्या बढ़ी है केजरीवाल सरकार में, फिर क्या आपको लगता है कि कुछ हिडन रिलेशन है? देखिए ये है असलियत केजरीवाल जी की झूठी गारंटी की, और यही गारंटी देकर यही झूठा वादा करके सत्ता में आए थे केजरीवाल जी कि जो टैंकर माफिया है शीला दीक्षित के वक्त का वो खत्म किया जाएगा, उसके प्रकोप से बचाया जाएगा, निजात मिलेगी दिल्ली वासियों को। लेकिन टैंकर माफिया तो फल फूल रहा है, पूरी तरह से बढ़ रहा है, उसके तो जो आमदनी हो रही है उसमें तो इजाफा हो रहा है। जल निगम जो कि प्रॉफिटेबल होता था,
अब वो बाकायदा ऋण में जा रहा है। ये हुआ है 10 सालों में और आप देखिए हर जगह टैंकर माफिया का दबदबा है। उनका जो कट बनता है दिल्ली सरकार के अफसरों और मंत्रियों के साथ पूरी तरह से बंधा हुआ है, इसीलिए टैंकर माफिया लगातार ना सिर्फ बढ़ रहा है लेकिन ज्यादा कमा भी रहा है और उनकी संख्या भी जो है लगातार बढ़ रही है और जो उनका डिपेंडेंस है यानी कि जो निर्भरता है आम लोगों की वो भी बढ़ रही है टैंकर माफिया पर। तो ये जानबूझ के किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ लालच है। और आप देखिए इतनी निर्लज्ज सरकार है, निकम्मी है, लेकिन देखिए यह आपराधिक लापरवाही, इसको ना माने तो क्या माने कि जिस तरह से दिल्ली में हाहाकार मचा है जल को लेकर, इतने परेशान हाल हैं लोग अलग अलग जगह में पानी को लेकर।